हेलो गाइस, मेरा नाम शहबाद और आप देख रहे हैं टेक्री चैनल को। आज मैं बात करने वाला हूँ कि अपने जब भी कोई फ़ोन ख़रीदते हो, मोबाइल फ़ोन अपने फ्लिपकार्ट पे या फिर कोई एक्सचेंज करना चाहते हो जो आप पहले से यूज़ कर रहे हो, और उसके बाद कि किस तरीके से आप फ्लिपकार्ट से या कोई भी मार्केट प्लेस कंपनी से अगर कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो एज अ फ़ोन में, सिर्फ मोबाइल फ़ोन में, और एक्सचेंज करना चाहते हो आपके पास जो पहले फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो कैसे करोगे, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप एक काम करिए कि अगर आप नए व्यूअर हैं, नई चीज़ नई फर्स्ट टाइम मेरा चैनल आप देख रहे हो या वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पसंद आए तो, और लाइक या शेयर कमेंट कोई भी डाउट्स अगर हो तो प्लीज़ मुझे आप बताइए, मैं आपको सारी चीज़ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो चीज़ आपको पसंद आ रही है मोबाइल फ़ोन, वो पहले सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऑनर 9 मोबाइल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी फ़ोन जो आपको पसंद हो वो कर लेते हो। तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपको दिखाई देगा दो तीन ऑप्शन इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर आपको किस पे क्लिक करना है, ये जो आपको यहाँ पे 9000 ऑफ फोन एक्सचेंज पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको डिटेल्स में देगा। आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं आपको अभी कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे वो मैं कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट अनदर मोबाइल फ़ोन नहीं सेलेक्ट ब्रांड करोगे, तो मैं करता हूँ शाओमी पर, ठीक है। शाओमी फ़ोन है, कहाँ गया इस पे। फिर मुझे उस फ़ोन बदलना है, जो आपको फ़ोन बदलना है, जो आपको देना है और आपको नया फ़ोन लेना है, उस चीज़ की डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए 3250 रुपये यहाँ पे माइनस होगा, अब दे रहा है कि जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो उसकी EMI आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, ताकि वो डिटेल ले सके, हाँ है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको EMI पे देखिए यहाँ पे दिया डायल करके मैं ले लेता हूँ, हालांकि मुझे अभी याद नहीं है इसका, तो मैं यहाँ पे डायल करके मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे 2 EMI है, तो सबसे पहले वाला मैं यहाँ पे देखूँगा कि 086 8634। अब यहाँ पे मुझे वेरीफाई करना है इसको, वेरीफाइड मैंने यहाँ पे कर दिया है इसको, आप देख सकते हो ठीक है, EMI पे वेरीफाइड हो गया है। मतलब कि जो आपका 9000 का फ़ोन था वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको पे करना है 6849 रुपये। अब यहाँ पे आप इतना पे करके आपको जब भी वो जो फ्लिपकार्ट बॉय आएगा आपका आपको फ़ोन लेने, तो फ़ोन आपको ये आपको देना होगा जो आपके पास जो यहाँ पे वेरीफाइड आपने किया है, ठीक है, और वो फ़ोन आपको मिल जाएगा इतने प्राइस में, 9999 रुपये इसकी बेस प्राइस थी, जो सेलिंग प्राइस है। और फिर ये माइनस हो रहा है 3250, प्लस जो पिकअप चार्ज है वो 100 है, और फिर आपका फाइनल प्राइस जो है 6849 रुपये आपको उसको देना है और आपको ये फ़ोन लेके चला जाएगा। तो अभी के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, अगर कुछ चीज़ इसको आपको और कुछ डीपली जानकारी लेना है कि आपका फ़ोन इसमें एनेबल काम नहीं कर रहा है या फिर किसी चीज़ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मैं आपको इसका हेल्प करूँगा। और फिर जो भी आपको डाउट हो, देखिए यहाँ पर सारी चीज़ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो मैं क्लोज़ करता हूँ, कोई भी कमेंट्स होगा प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और अपना डाउट मुझे क्लियर करिए, ठीक है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन लॉक्स, कोड लॉक, यहाँ पे सारी चीज़ आपको वेरीफाई करेगा कि नंबर है ना, स्क्रीन लॉक्स एंड आई क्लाउड लॉक्स, एप्पल डिवाइस और डिसेबल स्क्रीन इज इंटैक्ट विथ यूनिक LCD डैमेज, नो डैमेज और रिटर्न बैक, सब चीज़ें जो आपको बला 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 दिया हुआ है सब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ टर्म एंड कंडीशन है, बहुत इजी है, बहुत ही कम टाइम में आप इसको कर सकते हो। ये देखिए इतनी प्राइस इसका है, मैंने कर दिया है। अगर मुझे परचेज़ करना होगा तो ये क्लिक करके मैं परचेज़ में कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और भी बस इसी तरीके से अगर और कुछ अगर आपको जानना है क्या चीज़ के लिए इसके बारे में, तो मैं आपको डेफिनेटली आपको इसका आंसर और ज़रूर इसको बताऊँगा। तो अभी के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।